आज का रात्रि क्लास है 13 जनवरी 1969। बोला बाबा को याद करते हो, बाप को नहीं पूछा, बाबा को साकार निराकार के मेल को याद करते हो। फिर विश्व की बादशाही याद करते हो। बेहद का बाबा है तो वर्षा भी बेहद का देने वाला है। ऐसा बेहद का वर्षा दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने अपने फॉलोअर को नहीं दिया होगा। सारे विश्व की बादशाही, तो उस बादशाही को याद करते हो। देखो कैसा अच्छा प्रश्न पूछते हैं। अच्छा प्रश्न है कि अपने बेहद के बाप जिसका नाम शिव है, बेहद का बाप है, बेहद का कल्याणकारी है, शिव मान ही कल्याणकारी। पीछे और भाषाओं के कारण कोई गुजराती कोई कैसे कहते हैं, कोई देखो महाराष्ट्रियन बबुलनाथ भी कहते हैं, अभी बबुलनाथ कहना चाहिए क्या? बबूल का कांटा तो कितना दुखदाई भयंकर होता है। तो बाप कोई दुख देते हैं क्या? परंतु क्यों कहना चाहिए? क्योंकि ये जो बगीचा है, गार्डन ऑफ थॉर्न्स कहें, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल है ये दुनिया, इसलिए फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटा कहा जाता है ना। कांटा कहते हैं या बबूलनाथ अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, तो शिव का नाम ही बाबूलीनाथ या बबूलनाथ। क्यों उसका नाम ऐसे रखा है? क्योंकि कांटों को ही फूल बनाते हैं। दुखदाइयों को सुखदाई फूल बनाते हैं। क्योंकि सत्युग में होते ही हैं फूल। और बाप आकर सत्युग की स्थापना करते हैं, और यहां कलयुग में होते हैं कांटे दुखदाई, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ये सभी कांटे हैं। तो देखो अभी इस बात को कोई मनुष्य समझता थोड़ा ही होगा।
तो बाप आकर के बताते हैं कि कितने नाम दे दिए हैं। अब नाम तो सब काम के आधार पर ही होते हैं। तो पहले पहले बाप आकर के बच्चों से पूछते हैं, किस बच्चे से पूछते हैं, कौन से बच्चों से पूछते हैं, सभी बच्चों से। रूहानी बच्चे कि हे आत्मा, रूहानी बच्चों बाप याद है, कौन सा बाप, बेहद का बाप, क्योंकि हद के बाप तो धर्म पिताएं भी हैं। बेहद सारी 500-700 करोड़ दुनिया मनुष्य के मनुष्यों का बाप तो कोई धर्म पिता नहीं है इस दुनिया में। ये है बेहद का बाप, तो उसका नाम क्या है? अब नाम तो हर हालत में कल्याण करने वाला है, तो नाम है शिव, क्योंकि शिव है ही कल्याणकारी। याद है क्योंकि जितना याद करेंगे इतना तुम्हारा जो पाप सिर पर है जन्म जन्मांतर का वो सभी कट जाएगा। ये पाप कहां से आए? बाप ने तो सतयुग स्थापन किया था, सतयुग में तो पाप होते ही नहीं है। कभी भी कोई का भी पाप नहीं होता है, क्योंकि वहां होती है पुण्यात्माओं की दुनिया, वहां तो कोई पापात्माओं की दुनिया नहीं होती। और फिर इस दुनिया को कहा जाता है पापात्माओं की दुनिया। ये पाप और पुण्य क्या है? पांच विकार हैं पाप, ये रावण के पाप हैं, इसलिए नाम ही रख दिया रावण रुलाने वाला। पीछे सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है, क्योंकि ये है दुश्मन। राम का दुश्मन है, और सिर्फ राम का ही दुश्मन नहीं है, ये तो सबका दुश्मन। वो रावण सारी दुनिया का दुश्मन है, सारी दुनिया में रावण राज्य है। ऐसे नहीं कि लंका में रावण था, नहीं, सारी दुनिया में इस समय 10 धर्मों को चलाने वाला, 10 धर्म 10 सिर वाला ये रावण राज्य है। इस राज्य का नाम ही है प्रजातंत्र राज्य, और सारी दुनिया में जो भी प्रजा है वो तो सब धर्म वाली है ना, तो सब दुखी है, क्योंकि तमो प्रधान है। अच्छा, तभी कहते हैं बच्चों
अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्योंकि वो बाप ही है पतित पावन। ऐसे नहीं कि पतित भी है पावन भी है, नहीं, जिस तन में आता है मुकर रूप से वो है पतितम कामी काटा। और उसी को पहले पहले पावन बनाते हैं, उसे आप समान बनाई देते हैं। तो कहते हैं माम एकम याद करो, व्यक्तित्व तो एक ही है, आत्माएं भले दो हैं, पर्सनालिटी एक ही है, तो माम एकम याद करो। तो मुझे याद करने से अभी अक्षर गीता के हैं, और कोई कोई अक्षर गीता के क्लियर हैं, उनमें समझ है जैसे आटे में लून, आटा होता है ना, तो उसके कण कण में लून भेज जाता है, तो गीता और तो सभी झूठी है। कोई कोई थोड़े अक्षर हैं जो थोड़ा सच भासते हैं, तो बाप कहते हैं और वो बाप खुद कहते हैं, देह के सभी संबंध छोड़, नाना चाचा काका ताऊ पापा पति पत्नी, जो संबंध तुम्हारे नहीं थे, तुम जब अपने घर आत्मलोक में थे तो ये कोई भी संबंध तुम्हारे नहीं थे। जब कि तुम घर से आते हो पार्ट बजाने के लिए इस दुनिया में, तो तुम्हारा जब पार्ट चलता है, पहले भारत में आते हो पार्ट बजाने के लिए, तब तो तुम सुख के संबंध में आते हो, फिर अभी आ गए हो दुख के बंधन में, रावण के राज्य में आ गए, तो अभी फिर सुख के संबंध में कैसे जाओ। तमो प्रधान बन गए, रावण के रूप अनेक सिर वाला, अनेकों के संग के रंग से, तो अब सतो प्रधान कैसे बनो, क्या करो। अपन को पक्का तमा समझो, देह नहीं समझो, आत्मा विनाशी देह विनाशी, और तुम तो आत्मा हो पहले, पीछे जब इस दुनिया में आए अपने आत्मलोक से, तो पीछे ये देह धारण की, तो अपन को असल आत्मा समझो, और ये बात इस समय में ही समझाते हैं। और कोई युग में नहीं समझाते।
वो नहीं बोलते हैं कि द्वापर में या सतयुग में तुमको ये शिक्षा मिलने की है। ये तो शास्त्रकारों ने लिख दिया है कि भगवान अनेक रूपों में, सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में भी आता है। नहीं, ये बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि कलयुग और सतयुग का संगम होता है, मेल होता है। किसी लिए आते हैं? ये शिक्षा देने के लिए कि अपन को आत्मा निश्चय करो। हर युग में अपन को देह के सुख भोगते रहे तो देह समझ बैठे, ये जो निश्चय करते हो कि हम देह है, ये भूल है। अपन को आत्मा निश्चय करो और आत्मा के बाप को याद करो, पहचान कर याद करो, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म निराकारी तो बाप भी अति सूक्ष्म निराकारी। तो पहचानेंगे कैसे? तो परिचय बाप आकर देते हैं, समझा ना? क्योंकि तुम हो तो वहां ऊंचते ऊंच धाम परम धाम के रहने वाले, और तुम आत्माओं के बाप भी परम धाम में रहते हैं ना। तो तुम क्या करो? उस बाप को याद करो, जो सदाकाल ऊंचे 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 से ऊंचे धाम का ही वासी है। नीचे से पतित सृष्टि में आता है, पतित तन में आता है, तो भी बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहता है। तो मुझे याद करो, और खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं जो सदाकाल परम धाम का वासी हूं, जो शरीर में प्रवेश किया है, किस लिए प्रवेश किया है? तुमको समझाने के लिए कि निराकार को कैसे पहचानना है। क्योंकि पतित पावन तो हूं ही, पतित तन में आता हूं, और मैं तो बड़ा प्योर हूं सदाकाल। तो तुम पतित से पावन कैसे बनेंगे, सो समझाता। क्या करो? ये जो देह के सभी धर्म हैं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं,
बैरिस्टर हूँ, वकील हूँ, पलाना हूँ, टीना हूँ, अरे क्या भी हूँ, ये सभी छोड़ दो, बस मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने आत्मा के बाप को याद करो। धंधा दोरी सब काम करो, जैसे बाप कहते हैं कम कारडे और दिलियारडे, यानी आत्मा का दिल बाप के पास रहे, क्योंकि वो बाप है सबसे पुराना दोस्त। मुसलमान भी कहते हैं खुदा दोस्त, तो पुराना दोस्त है ना सबसे। क्योंकि उस दुनिया में सभी मनुष्य आज नहीं तो कल सभी उनको याद करते हैं। उनको कहा ऐसे नहीं कहा, उसको याद करते, सिर्फ निराकार को नहीं, निराकारी आत्मा के साथ साथ है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल साकारी भी है। तो दोनों कंबाइंड होके पार्ट बजाते हैं ना, तो उनको याद करो। और सभी मनुष्य उनको याद करते ही तो कहते हैं अभी तुम सबको मेरे पास पहुंचना है ना, अब तुम पति तो हो तो मेरे पास तो नहीं पहुंच सकोगे, मेरे पास आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो मूत पलीची छी छी बन पड़े हो। ऐसों ऐसों के संग के रंग में आकर के मूत पलीती बन पड़े, अभी तुमको गुलगुल बनना पड़ता है। तो कैसे बनेंगे गुलगुल, पावन कैसे बनेंगे जो घड़ी घड़ी मूत पलीती में रगड़ न करनी पड़े, जैसे गेंदा या भैंसा कीचड़ में लोटता है ना, तो पावन कैसे बनेंगे। क्या करो, सिर्फ एक माम एक अब याद करो, क्योंकि इस दुनिया में सब मूत पलीती पतित बनाने वाले हैं, कि जब तुम भक्ति में आए थे तब भी तुम सिर्फ पहले पहले मुझे याद करते थे, मेरी अभ्यविचारी पूजा करते थे, उसी को कहा जाता है अभ्यविचारी पूजा। और अभ्यविचारी पूजा तो होती है एक शिव की, पीछे हो जाती है व्यभिचारी पूजा। अभी भी क्या करो, हाँ।
अभी भी किसी से कुछ भी न सुनो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, क्योंकि किसमें भी ज्ञान नहीं है, सब में भक्ति है। तेरह जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। मैं हूं ज्ञान का सागर, इसलिए मुझे याद करो। और कोशिश करके मुझे याद करो। भले धंधा करो, दोरी करो, कुछ भी करो, जैसे ट्रेन में बैठते हैं, वहां कोई धंधा थोड़े ही है। तो ट्रेन में बैठे हो तो भी मुझे याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे। क्योंकि एक निष्पाप को याद करेंगे, और वो पाप कोई एक जन्म के नहीं है, 63 जन्म के पाप हैं तुम्हारे ऊपर। तो वो पाप की दुनिया में पाप करने के कारण तुम हिर गए हैं, अभ्यासी हो गए, अनेकों के संग के रंग से ऐसा हुआ। तो अब मेरे साथ योग लगाने से फिर हिर जाएंगे, और हिर जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे, तो गड़गड़ी बाबा को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा से बात सही मिलती है। समझा ना बच्चे? अभी बादशाह तो बनेंगे, और बादशाह ही तो बाप ही देंगे। ये जो सन्यासी वन्यासी धर्म पिताएं, जो प्रवृत्ति को मानने वाले ही नहीं है, प्रवृत्ति को ठुकराने वाले, वो तो विश्व की बात से आई नहीं दे सकते। और फिर ये भी पक्का है कि सन्यासी कभी भी राजयोग सिखलाई नहीं सकते हैं। राजयोग जिसका नाम ही है, जिसमें रहस्य भरा हुआ है, इसलिए नाम राजयोग है। वो राजयोग सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं, अर्थात गीता का ज्ञान सिर्फ बाप समझा ही सकते हैं। सच्चा सच्चा, और तो दुनिया में कोई भी सच्चा इंटरप्रिटेशन गीता की टिप्पणी टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता। बाकी तो वो तो सब बैठ करके पढ़े हैं किताब,
नहीं तो बाप समझाते हैं कि सन्यासियों को जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनको कभी भी किताब या पुस्तक या कुछ भी पढ़ने का हुक्म नहीं है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग ही है। क्योंकि पुस्तक है प्रवृत्ति मार्ग के, और पुस्तक पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना ये सब भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ये भक्ति निवृत्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है। इसलिए जंगल में जाके बैठते हैं, वहां वो किसी की भक्ति भक्ति करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो वहां क्या करते हैं? वो वहां ब्रह्म को याद करते हैं। या संगम युग दुनिया में ब्रह्म माने ब्रह्मा को याद करते हैं। सारी दुनिया का जन्म किससे हुआ? ब्रह्मा से। तो वो तो ब्रह्मा को याद करने वाले हैं, जिस ब्रह्मलोक में जहां हम रहते हैं, हम सब रहते हैं ना, वो रहने का स्थान है। जिस स्थान में आत्माएं रहती हैं, अंडे मिसल है, इसलिए नाम है ब्रह्मांड। माने हम जो अंडे मिसल आत्माएं गाए जाते हैं ना, वहां ब्रह्मांड में रहती है आत्मा। अब है तो अंडे मिसल नहीं, बहुत छोटी है, एकदम छोटी। तो तुम अपन को आत्मा समझो और अपने मुझे बाप को याद करो, क्योंकि मैं सबका पतित पावन हूं, सब पतितों को पावन करने वाला, सर्व की सदगति दाता मैं हूं। तो क्या करो तुम, कैसे सर्व की सदगति होगी? तुम बच्चों की सदगति होगी जितना याद करेंगे? नहीं करेंगे तो गति तो सबकी होगी, परंतु सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहां एम ऑब्जेक्ट भी बड़ी रखी हुई है, और वो एम ऑब्जेक्ट है ही आत्मस्थिति में टिकने की, आत्मलोक में जाने की। जाएंगे जरूर, ऊंचे ते ऊंचे धाम के वासी, ऊंचे ऊंचे ते ऊंचे उस बाप को पहचानेंगे जरूर। बाकी है पढ़ाई के ऊपर, जितना जो पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे इतना ऊंचे पद फिर पाएंगे।
और ऊंच पद भी फिर वो उस दैवी राजधानी में होगा, जो राजधानी बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। ओम शांति।